जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हमें हनुमान जी की साधना करनी है, ऐसा कोई मंत्र बताइए ताकि हमारी समस्त संकट हों, या फिर कोई भी काम नहीं बन रहा है, या किसी महासंकट में आप आन फंसे हो, या हनुमान जी को आप पाना चाहते हैं, या उनकी सिद्धि करना चाहते हैं, या साधना करना चाहते हैं। तो उस पूरे विधि विधान को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, किस तरीके से आप अपनी मनोकामना पूरी करा सकते हैं, किस तरीके से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, और किस तरीके से आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, संपूर्णता से सुनिए, ताकि आपको अच्छे समझ आए कि हनुमान जी की साधना की कैसे जाती है और क्या गलतियां करते हैं आप साधना करते हुए। तो उन सब चीज़ का नियम का पालन आपको करना है, जिस विधि विधान से मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से हनुमान मंत्र की साधना बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं किस तरीके से हम हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो भक्तों की मनोकामना को अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। वैसे तो श्री राम भक्त हनुमान भगवान श्री राम के नाम लेने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि किसी बड़ी मनोकामना को पूरा करना या फिर किसी बड़े संकट से छुटकारा पाना, तो ऐसे में हनुमान जी के प्रिय मंत्र के उनकी साधना करके सबसे अच्छा फल मिलता है। हनुमान जी की साधना में साधक के भाव के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से स्वयं को हनुमान जी के प्रति समर्पित करता है। अगर आप नियम पूर्वक साधना समय से करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। यदि कोई मंत्र साधना में सिद्धि अर्जित करने के उद्देश्य से साधना करता है तो उसे पूर्ण रूप से हनुमान जी की प्रति समर्पित करना होगा। यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ पूर्ण विधि और नियमों का पालन करते हुए साधना करते हैं तो साधना में सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सा मंत्र है जिसे बोलने से हनुमान जी की आपको साधना करनी है। तो मैं आपको दो मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस मंत्र का आप जाप कीजिए और मैं बताऊँगा क्या इसकी विधि है। तो पहले हम मंत्र जान लेते हैं कौन सा मंत्र है। पहला मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात कायम हुम फट, जी हाँ। दूसरा मंत्र है ओम मनोज्यम मारुतुल्य वेलगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वतात्मच वानर युत मुखम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्य। मैंने आपको हनुमान जी के दो मंत्र के विषय में जानकारी दी है। इनमें से किसी भी एक मंत्र द्वारा आप अपनी साधना पूर्ण कर सकते हैं। साधना की विधि और नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उसी तरीके से कीजिए ताकि आपको पूर्णता से फल प्राप्त हो। हनुमान जी की साधना विधि आइए जानते हैं क्या है। अपने घर में एक ऐसे कक्ष को चुने जिसमें आपको कोई तंग ना करे। अब इस कक्ष की अच्छे से साफ सफाई करें, गौमूत्र और गंगा जल मिलाकर पूरे कमरे में छिड़क कर कमरे को पवित्र कर लें। अब कक्ष में पूर्व दिशा की ओर एक चौकी पर केसरिया रंग का कपड़ा बिछाकर उस चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा और उनका सिद्ध यंत्र स्थापित करें। अगर सिद्ध यंत्र नहीं है तो आप हनुमान जी की फोटो लगाकर भी विधि कर सकते हैं। चौकी की बाई तरफ यानी कि ईशान कोण में एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर स्थापना करें। अब आपको क्या करना है, जब आपने स्थापना कर दी है कलश लगाकर, एक पानी वाला नारियल इसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर इसे पानी के कलश के ऊपर रख दें, पानी वाला जो जटायुक्त नारियल होता है। अब स्वयं भी केसरिया रंग के वस्त्र धारण कर चौकी के सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाएं। अगर केसरिया रंग के वस्त्र आपके पास नहीं है तो कोई भी केसरिया रंग का गमछा आप ज़रूर ओढ़ लें, ताकि आप जिनकी साधना कर रहे हैं तो आपका वो उस विधान से हो जाए। अब धूप दीप प्रज्वलित करें, इसके बाद दाएं हाथ में अपना थोड़ा सा जल लेकर इस प्रकार से संकल्प करें कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना नाम बोलें, फिर गोत्र बोलें, फिर आपकी कृपा से हनुमान जी का ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। ये कहकर हाथ में
जो जल है आपका वो नीचे जमीन पर छोड़ दें। अब हाथ से 3 बार जमीन को स्पर्श करते हुए 3 बार बोलें, ओम श्री विष्णुवे नमः। अब आप दाएं हाथ में गौमुखी, एक विशेष प्रकार की कपड़े की थैली जो होती है वो आप अपने पास रखें, उसमें रुद्राक्ष की माला लेकर पहले एक माला अपने गुरु के नाम की करें, अगर गुरु नहीं है तो किसी शक्ति को जिसको आप ईष्ट या अपना गुरु मानते हैं उनका ध्यान करके एक मंत्र जाप करें। इसके बाद एक माला गणेश जी के मंत्र की करें, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणेश जी की माला। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद दोनों से आदेश लेकर, भगवान गणेश से और भोलेनाथ से आदेश लेकर, आप विधि विधान से आगे ये करने के उपरांत आप भगवान श्री राम का स्मरण करें। और अब हनुमान जी के उपयुक्त 2 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र द्वारा मंत्र जप आरंभ कर दें। आरंभ के कुछ दिन आप मंत्र जप बोल कर करें, बाद में मन ही मन मानसिक मंत्र का उच्चारण करें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जप की संख्या निर्धारित कर सकते हैं, जितना आप कर सकें उतना ही संख्या आप निर्धारित करें ताकि आप रोज उसी संख्या के हिसाब से मंत्र जाप करें। इस प्रकार से ये मंत्र जप आप लगातार 41 दिनों तक करें। 41 दिन पूर्ण होने पर जितना जप किया है उसके 10% यानी कि 10 दशांश आहुतियां हनुमान जी के मंत्र की दें। पूरे 41 दिन तक हनुमान जी की चौकी की स्थापना ऐसे ही रहने दें। साधना पूर्ण होने पर नारियल सिंदूर को कुछ दक्षिणा के साथ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा आएं। साधन काल के समय प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को चोला अर्पित करें और मंगलवार जब भी आपको समय मिले तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। एक डिब्बी में हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लाकर रख लें। प्रतिदिन साधना शुरू करने से पहले उस सिंदूर से स्वयं को तिलक करें। अब आइए जानते हैं कि हनुमान साधना के नियम क्या है। मैं आपको नियम बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साधना में मंत्र जप की संख्या एक समान रखें और प्रतिदिन एक ही समय पर मंत्र जप करें। मन में दृढ़ संकल्प और हनुमान जी के प्रति आपका समर्पण भाव सच्चा होना चाहिए। पूर्ण रूप से साधना काल के समय ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करनी। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो उस चीज का भी आपको परहेज करना होगा। आपको लहसुन प्याज का त्याग करना होगा, आपको गलत चीजों का त्याग करना होगा, नॉनवेज मांस मदिरा ये सब आपको त्याग करना होगा जब तक आप साधना कर रहे हैं। पर स्त्री या लड़की को हवश की नजर से देखना साधना को भंग कर सकता है। हर स्त्री या लड़की में माँ और बहन की नजर से देखने का भाव होना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो साधना काल के समय अपनी पत्नी से भी संबंध ना बनाएं। साधना काल के समय साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, स्वयं को स्वच्छ व शुद्ध बनाए रखें। साधना काल के समय नीचे जमीन पर ही सोना चाहिए, व्यर्थ में दूसरों के स्पर्श से बचना चाहिए। साधना करते समय केसरिया रंग के वस्त्र धारण कर ही मंत्र जप करना चाहिए। ये तो थे मंत्र जाप के और साधना के नियम। तो अब मंत्र जाप की भी, अगर जैसे आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो उसकी एक छोटा सा नियम है, अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार विधि विधान के अनुसार हनुमान जी की साधना को पूर्ण करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, हर संकट दूर होते हैं और मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। हनुमान जी की साधना में यदि आप अपने गले में सिद्ध हनुमान तावीज को धारण करके साधना करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए पहले गले में सिद्ध हनुमान यंत्र तावीज धारण करें और फिर हनुमान जी की साधना आरंभ करें। तो यकीन मानिए जो भी आप संकल्प लेके साधना या सिद्धि कर रहे हैं वो 100% आपकी पूरी हो जाएगी। जीवन में जो भी हनुमान जी की आप कृपा पाना चाहते हैं, कोई भी महासंकट है, कोई भी परेशानी, उन सभी समस्त संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये थी हनुमान जी की साधना के नियम, किस विधि विधान से आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैंने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है। इसके अलावा भी अगर आप किसी और साधना या किसी और चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। समझ ना आने पर इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर सुने, फिर मुझसे सवाल करें। और साथ ही साथ अगर आप किसी और परेशानी में हैं या कोई संकट है जिसका हल नहीं मिल रहा है, आप दरबार चौकी हर जगह जाके थक चुके हैं, कई पैसे लगा चुके हैं, तो आप
मेरी स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से आप देख रहे हैं। इस आईडी के माध्यम से आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम बोल के। मैं लाइव भी आता हूँ रोज़ रात के समय। अभी फ़िलहाल मैं 8 से 9 बजे रात को लाइव आता हूँ, कभी यूट्यूब पर कभी इंस्टाग्राम पर। आप अपने सवाल डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी जानकारी लेना चाहें मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज करें। बाकी आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा ताकि माँ भगवती और हनुमान बाबा जी आपकी मनोकामना पूरी करें। सभी उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाट काली के दरबार से जो भी जुड़े उनकी समस्त मनोकामनाएँ पूरी हों, इच्छाएँ पूरी हों, अंधन के भंडारे बने, जो भी संकट है माँ काटे, वो अच्छा करें और आपके समस्त कार्य बने। सभी को जय माता दी, जय माँ डाट काली।